फिर स्टूडेंट्स, पिछले दो लेक्चर में हमने अभी तक सीखा कि वर्टिकल स्ट्रेसेस बिलो अप्लाइड लोड्स और यू कैन से द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन द सॉइल। हमने अभी तक ये देखा कि देयर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रेसेस, एक तो बिकॉज ऑफ द ओवरबर्डन एंड अनदर इज ड्यू टू द स्ट्रक्चरल लोड, दैट और वी कैन से That dead load and live load. फिर हमने different combinations के बारे में देखा सीखा और last lecture में हमने ये भी देखा कि stress distribution due to point load और कैसे Poisson's equation apply किया जाता है, Poisson's equation का क्या formula है, charts and table के बारे में हमने पढ़ा। तो अभी तक हमने point load के बारे में पढ़ा है। अब जो हम पढ़ेंगे वो बिकॉज ऑफ द वर्टिकल स्ट्रेस कॉज बाय वर्टिकल लाइन लोड, मींस इफ द लोड इज इन लाइन। अभी हमने क्या देखा कि लोड आइदर पॉइंट लोड हो या एक फाउंडेशन पे यूडीएल की तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो तो हम वर्टिकल स्ट्रेस निकाल सकते थे। अगर हमारा लोड एक लाइन की तरह हो तो हम कैसे निकालेंगे वर्टिकल स्ट्रेस? तो इसका सिंपल फॉर्मूला ये है, वर्टिकल स्ट्रेस डेल्टा सिग्मा जेड एट डेप्थ जेड इज इक्वल टू 2Q और यू कैन से डेल्टा सिग्मा जेड बाई क्यू बाई जेड इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई पाई एक्स बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर फॉर डिफरेंट एक्स बाई जेड, वेयर एक्स इज दिस डिस्टेंस एंड जेड इज द डेप्थ। फॉर डिफरेंट एक्स बाई जेड वी हैव डेल्टा क्यू जेड बाई 2 बाई जेड रेशियो, हियर वी कैन सी 0, 0.1, 0.2 एंड सिमिलरली वी हैव डिफरेंट रेशियोज। इस तरीके से हम लाइन लोड के लिए निकाल सकते हैं हमारा स्ट्रेसेस। अगर लोड जो हो वर्टिकल स्ट्रिप लोड हो इनफाइनाइट विड्थ और इनफाइनाइट लेंथ, विड्थ फाइनाइट हो दैट इज बी बट लेंथ इनफाइनाइट हो, सच कंडीशंस आर फाउंड फॉर स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड वेरी मच इन वन डायरेक्शन सच एज स्ट्रिप एंड वॉल फाउंडेशन, फाउंडेशन ऑफ रिटेनिंग वॉल्स, embankments, dam and other like structures. अगर load हमारा vertical strip load हो तब उसमें stress क्या होगा? Suppose अगर हम at a depth z और at a distance x हम निकालना चाहें तो ये हमारा formula दिया हुआ delta z formula है, इसको हम use करके निकाल सकते हैं stress। ये इस तरह का वर्टिकल स्ट्रक्चर फाइनाइट विड्थ एंड इनफाइनाइट लेंथ, ये आप देख सकेंगे कि किस तरीके से हमारा इसका फिटिंग है। हमें डेल्टा सिग्मा जेड इस पॉइंट पे निकालना है एट द डिस्टेंस एक्स एंड फ्रॉम द मीड ऑफ द मिड पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे और डेप्थ जेड पे, तो हमने देखा कि हम इसे निकाल सकते हैं। एक केस और भी हो सकता है कि अगर लोड जो हो इंक्रीजिंग हो, लीनियरली इंक्रीजिंग वर्टिकल लोड ऑन इनफाइनाइट स्ट्रिप, अगर इस तरीके से इंक्रीजिंग लोड हो तब हमारा एक पॉइंट ए पे इस तरह से कि ये एंगल अल्फा बनाता हो, इसका ये पॉइंट जो है दोनों एंड पे, तो एक फॉर्मूला दिया डेल्टा सिग्मा जेड इज इक्वल टू क्यू बाई 2π टू एक्स बाई बी, जहाँ बी जो है ये पूरा डेप्थ है, अल्फा माइनस साइन टू डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा हमारा ये वर्टिकल से जो एंगल है वो है। यहाँ हम देख सकते हैं कि डिफरेंट टू जेड बाई बी एंड टू एक्स बाई बी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा जो ये चार्ट दिया हुआ, तो आसानी से हम इसको ऑलरेडी चार्ट को देख सकते हैं, इसके बाद हम निकाल सकते हैं।
वर्टिकल स्ट्रेस बिलो द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर एरिया। अगर लोडेड एरिया हमारा सर्कुलर हो, यूजिंग बोसनिक सॉल्यूशन फॉर वर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा जेड कॉज बाय ए पॉइंट लोड, वन आल्सो कैन डेवलप एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्टिकल स्ट्रेस बिलो द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली लोडेड फ्लेक्सिबल सर्कुलर एरिया। ये अगर हमारा सर्कुलर एरिया हो एट ए डेप्थ ऑफ जेड फ्रॉम द सेंटर, क्या हमारा निकलेगा डेल्टा सिग्मा z इज इक्वल टू क्यू टाइम 1 माइनस 1 बाई आर बाई जेड होल स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 3 बाई 2। आप देख सकते हैं z हमारा ये है, r इज द रेडियस। तो इस तरीके से हम इसको q इज द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड को वी हैव अ टेबल आल्सो फॉर डिफरेंट z बाई r डेल्टा z बाई q तरीके से, तो डायरेक्टली हम वो वैल्यू पुट कर करके निकाल सकते हैं और सॉल्यूशन का है तो हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते। वर्टिकल स्ट्रेस कॉज बाई ए रेक्टेंगुलर लोडेड एरिया, अगर लोडेड एरिया हमारा रेक्टेंगुलर हो तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है इसको, कि अगर रेक्टेंगुलर एरिया हो तो एट ए डेप्थ जेड हमारा कितना स्ट्रेस डेवलप होगा वो निकालना है। रिकॉल बोसनिक सॉल्यूशन फॉर ए पॉइंट लोड, ये हमारा ऑलरेडी हमने पॉइंट लोड के लिए डेल्टा सिग्मा जेड इज इक्वल टू 3/5/2। बोसनिक सॉल्यूशन आल्सो कैन बी यूज टू कैलकुलेट द वर्टिकल स्ट्रेस इंक्रीज बिलो ए फ्लेक्सिबल रेक्टेंगुलर लोडेड एरिया। कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट डी एक्स टू वाई ऑफ द रेक्टेंगल, the load of this element area can be given by dq equal to 2 times dx by dt। अभी क्या है, इस rectangular area में हमने dx by dt small, तो ये as a point behave करेगा और point की वजह से at a suppose at a distance r and at a depth z we can calculate the delta sigma z variance। इसमें एक केस ये डेवलप होता है कि कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगुलर एरिया, सपोज रेक्टेंगुलर एरिया है तो उसके कॉर्नर पे क्या स्ट्रेस डेवलप होगा, तो स्ट्रेस विल बी सपोज के दो पैरामीटर n इज इक्वल टू l बाई जेड और n इज इक्वल टू b बाई जेड, देन स्ट्रेस विल बी कैलकुलेटेड और यू कैन से द इंक्रीज इन द स्ट्रेस एट ए पॉइंट ए कॉज बाई द इंटायर लोडेड एरिया कैन नॉट बी डिटरमिन्ड बाई इंटीग्रेटिंग द प्रीसीडिंग इक्वेशन, जो हमने पिछले इसमें देखा इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को अगर इंटीग्रेट करें इंटायर एरिया के लिए तो हमारा ये सोल्यूशन निकल गया है क्यू इंटू आई थ्री, वेयर आई थ्री इज इक्वल टू 1/4 पाई, ये आप इक्वेशन देख पा रहे हैं, वेयर n इज इक्वल टू l बाई जेड, m इज इक्वल टू b बाई जेड। n जो है हमारा l मीन्स लेंथ और z का रेशियो, m जो है विड्थ और z का रेशियो है। अब ये चीज जो दिया हुआ हमारा, देखिए m है और n है, तो m ऑलरेडी m जो है और n जो है दिया हुआ, m और के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा डिफरेंट वैल्यूज है उसको हम देख करके आराम से निकाल सकते लोडेड एरिया के कॉर्नर पे जो है हमारा स्ट्रेस निकल सकता है। अभी एक चीज ये है कि अगर क्वेश्चन ये हो कि कॉर्नर पे निकालना, तब तो बहुत इजी है कि भाई वो फॉर्मूला यूज करके हमने कॉर्नर पे निकाल लिया, लेकिन अगर सपोज एक रेक्टेंगुलर एरिया है एट ए पॉइंट ए हमें निकालना है जो उस एरिया के कहीं बीच में हो, तब हम कैसे निकालेंगे, तो वेरी सिंपल के हम जहाँ जो पॉइंट है हमारा वहां से दो लाइन ऐसा क्रॉस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि द होल एरिया इज रेक्टेंगुलर एरिया इज डिवाइडेड इनटू फोर एरियाज, मे बी स्क्वायर और मे बी रेक्टेंगल, देखिए 1, 2, 3, 4 एरियाज। अच्छा 1 के लिए ये पॉइंट ये स्क्वायर है, 2 के लिए ये स्क्वायर है, 3 के लिए ये स्क्वायर है, 4 के लिए, सॉरी ये 1 के लिए कॉर्नर, 2 के लिए कॉर्नर, 3 के लिए कॉर्नर, 4 के लिए, और किसी
कॉर्नर पे कैसे स्ट्रेस निकालना है, ये अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा। तो इसी तरीके से वन बाई वन हम निकाल सकते हैं टोटल डेल्टा सिग्मा जेड इक्वल टू क्यू इंटू आई थ्री एट बिकॉज ऑफ रेक्टेंगल वन, आई थ्री बिकॉज ऑफ रेक्टेंगल टू, आई थ्री बिकॉज ऑफ रेक्टेंगल थ्री एंड रेक्टेंगल फोर। अब सबको सम कर देंगे, इट विल गिव द वर्टिकल स्ट्रेस एट पॉइंट ए बिकॉज ऑफ दिस रेक्टेंगुलर एरिया, क्योंकि कॉर्नर पे निकालना तो हम जानते ही हैं। तो यहाँ पे हम अगर समराइज करें तो इस तरीके से वर्टिकल ए स्ट्रेस इंक्रीज बाई ए इज द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर एरिया, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। जो हमने देखा इसको एम एन बी सेंटर, अगर हमारा सेंटर पे निकालना चाहें बहुत आसानी, इसके लिए चार्ट भी दिया हुआ है, डायरेक्ट करके भी इसको निकाल सकते हैं। कुछ पॉसिबल केसेस जो ऑलरेडी हमने एक डेवलप किया कि अगर बीचों बीच हो पॉइंट तो क्या होगा, एक की वजह से कॉर्नर पे निकालें और फोर टाइम्स कर दें तो वो हमारा निकल आएगा। अगर मान लीजिए वो पॉइंट एक जगह पे नहीं हो तो क्या होगा, चार कॉर्नर हम बनाएंगे और चारों के लिए करेंगे तो सबको ऐड कर देंगे। अब कुछ पॉसिबल पॉसिबिलिटी ऐसी बन सकती है कि वो पॉइंट रेक्टेंगल के बाहर हो, सपोज यहाँ पे हो या यहाँ पे हो या कहीं पे भी बाहर हो सकता है। अगर यहाँ पे हो तो किस तरीके से है? बस हमको इस तरह से उस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करना है कि वो पॉइंट जो हो कॉर्नर पे आ जाए। फॉर एग्जाम्पल इन केस थ्री, सपोज द पॉइंट इज एट एफ आउटसाइड ई, तो हम क्या करेंगे, इसको इंक्लूडिंग एक रेक्टेंगल बनाएंगे और इसको मिलाकर एक रेक्टेंगल बनाएंगे। तो बिकॉज ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू स्ट्रेस ड्यू टू दिस होल रेक्टेंगल माइनस स्मॉल रेक्टेंगल। अगर पॉइंट सिर्फ एकदम ही बाहर हो इसके रेक्टेंगुलर कॉर्नर के साइड में, तो फिर क्या करेंगे, हम उस लाइन से इस तरीके से ड्रॉ करके रेक्टेंगल बनाएंगे इस तरह के वो रेक्टेंगुलर कॉर्नर पे हो। तो आई थ्री जो होगा, आई थ्री से मुराद है मेरा ए वर्टिकल स्ट्रेस बिकॉज ऑफ दिस क्या होगा टोटल दिस वन माइनस दिस वन माइनस दिस वन, बट देखिए ये एरिया दो बार माइनस हो जा रहा है तो प्लस EKF ये वाला ऐड करना पड़ेगा। स्पेशल केसेस में आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो सॉल्यूशन मिलता चला जाएगा। अभी एक एग्जांपल है इस तरह से कि इराक फाउंडेशन ऑफ साइज गिवन बिलो कैरी द इनफॉर्मेशन कंप्यूटर लोड ऑफ 300 टू एस्टिमेट द वर्टिकल प्रेशर एट ए डेप्थ 9 मीटर बिलो पॉइंट ओ एयर मार्क इन द फिगर। अभी क्या डायमेंशन आर गिवन 18 मीटर 16.5 9 मीटर 6 मीटर एंड द पॉइंट इज 3 मीटर अवे एयर 3 मीटर अवे। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये समझना है कि हम इससे पास होता हुआ ट्रायंगल बनाएंगे, देख सकते हैं आप, क्योंकि कॉर्नर पे हम जानते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे और लोडेड एरिया ए सी ए डी एल बी एच, ये इसकी वजह से ओ पे क्या बनेगा, तो हम टोटल 6 रेक्टेंगल बन रहे हैं उसकी वजह से एम और एन आपको मालूम है और आई थ्रीज निकालेंगे और कॉम्बिनेशन जो बनेगा आई इक्वल टू पहले तो
चार का एडिशन फिर तीन का सब्ट्रैक्शन करके ये पूरा, और डेल्टा सिग्मा जेड इक्वल टू आई थ्री इंटू टू, टू दिया हुआ 300, तो आई थ्री निकाल किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम चैप्टर को खत्म करते हैं। आई होप के कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग।